अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन फ्राई, स्ट्रीट स्टाइल चिकन फ्राई, जो बहुत ही जूसी और बाहर से क्रिस्पी बहुत ही अच्छी डिश बनी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मुझे फीडबैक दें। तो चलिए देखते हैं इसका बनाने का तरीका। हमें चाहिए 1 kg चिकन। अब हम इसका फर्स्ट मैरिनेशन करेंगे। नमक हसबे ज़रूरत, 2 tablespoons अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 tablespoons लेमन जूस, अगर आपके पास लेमन नहीं है तो आप 2 tablespoons विनेगर भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से मिक्स कर लें और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट करें। 10 मिनट के बाद अब हम इसका सेकेंड मैरिनेशन करेंगे। 1/4 teaspoon हल्दी डाल दें, 1/2 teaspoon काली मिर्च पाउडर डाल दें, 1/2 teaspoon गरम मसाला डाल दें, 1 teaspoon भुना हुआ ज़ीरा पाउडर डाल दें, 1 tablespoon भुना हुआ धनिया पाउडर डाल दें, 1 tablespoon चाट मसाला डाल दें, 1 tablespoon लाल मिर्च पाउडर डाल दें, 1 teaspoon कसूरी मेथी डाल दें, 1/4 teaspoon रेड फूड कलर डाल दें या 2 teaspoon कश्मीरी लाल मिर्च डाल दें, 3 tablespoon चने का आटा डाल दें, 2 tablespoon कॉर्नफ्लोर डाल दें, 3 tablespoon दही डाल दें। इसे अच्छे से मिक्स कर लें। मसाला चिकन को अच्छे से लग जाना चाहिए और इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में मैरिनेट होने के लिए रख दें। 1 घंटे के बाद अब हम इसे फ्राई करेंगे। मीडियम हीट पर मैंने तेल को गर्म कर लिया है। अब आप इसमें चिकन पीसेस डाल दें। 4 से 5 चिकन पीसेस ही डालें, इसे ओवरक्राउड ना करें। इसे 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई करें। 3 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई होते हुए। अब हम इसे पलट कर फ्राई कर लेंगे। आप दोबारा इसे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लें। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, ठीक है। ये 5 मिनट हो चुके हैं इसे फ्राई होते हुए, आप देख सकते हैं इसका कलर। चलिए मैं इसे निकाल कर दिखाती हूँ, ये ऑलमोस्ट डन है। इसे 8 मिनट के लिए मैंने फ्राई किया है। मैं इसे अलग प्लेट में निकाल लूँगी। जो बचा हुआ चिकन है, आप उसे फ्राई करने से पहले तेल को अच्छे से गर्म करें और चिकन को 7 से 8 मिनट के लिए फ्राई कर लें। जैसे ये फ्राई हो जाएगा, आप इसे डिश आउट कर लें। चिकन फ्राई बनकर तैयार है। आप इसे ग्रीन चटनी, केचप, रोटी या एज ए स्टार्टर खा सकते हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई करें। ये अंदर से सॉफ्ट, जूसी और बाहर से क्रिस्पी बना हुआ है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल क्लिक करना ना भूलें। तो चलिए चलती हूँ, इंशाल्लाह अगली नई वीडियो में मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।